दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योतिष पर। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष आपके साथ में सगाई और विवाह के मुहूर्त को लेकर मैं चर्चा करता हूँ। अक्टूबर तथा नवंबर दोनों महीनों के मैं यहाँ पर आपको तारीख बताने वाला हूँ। लेकिन खास बात क्या है कि जो हम विवाह के लिए या सगाई के लिए मुहूर्त निकालते हैं वो वर कन्या दोनों की राशि के अनुसार ही हमें मुहूर्त निकालना होता है। खासकर जो विवाह मुहूर्त होते हैं उसमें त्रिबल शुद्धि के साथ वह दिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वैसे तो कोई भी मुहूर्त हो, हमें हर राशि के आधार पर अलग अलग दिन बनते हैं, लेकिन विवाह के लिए दोनों का दिन देखा जाता है। क्योंकि लड़की के हिसाब से हो सकता है वो दिन पड़ रहा हो लेकिन लड़के के हिसाब से नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे में हमें दोनों की राशि के आधार पर ही यह सब मुहूर्त निकालने होते हैं, त्रिबल शुद्धि जिसको कहा जाता है विवाह के लिए जो मुहूर्त होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कन्यावरण यानी सगाई वाले मुहूर्त भी यहाँ पर बता रहा हूँ। दर्शकों, जो तारीख यहाँ पर बताई जा रही है, यदि आप अपने राशि के अनुसार से वर कन्या दोनों आप अपने आधार पर मुहूर्त को निकलाना चाहते हैं तो या तो आप हमारी वेबसाइट अध्यात्म ज्योतिष.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप समय ले सकते हैं, या फिर आप जो है व्हाट्सएप पर समय लेकर इसके लिए विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। निवेदन ये रहेगा कि आप सबसे पहले सीधा फोन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चल लेते हैं सगाई के कौन से दिन है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर अक्टूबर में सगाई की जो दिन है उसके लेकर चर्चा करूँ तो सबसे पहले 8 अक्टूबर का दिन रहेगा, क्योंकि इससे पहले सितंबर में श्राद्ध पक्ष आदि में आप नहीं कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को यहाँ पर मुहूर्त बन रहा है सगाई के लिए। उसके बाद 10 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर, फिर 21, फिर 25 और फिर 31 अक्टूबर का दिन है। यानी सगाई और कन्यावरण का कोई भी आप जो दिन रखना चाहते हैं वो इन दिनों में से आप दोनों की राशि आधार पर देख कर निकाल सकते हैं। नवंबर की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर और 29 नवंबर के दिन आप सगाई का दिन निकाल सकते हैं। तो सगाई को लेकर तो यह निश्चित है कि ये दिन जो है यहाँ पर जो आपको बताएं आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब हम कर लेते हैं चर्चा विवाह के मुहूर्त के लिए नवंबर में सबसे पहले, क्योंकि अक्टूबर में कोई दिन यहाँ पर विवाह के लिए नहीं है। नवंबर में हम अगर विवाह के लिए दिन देखें तो सबसे पहले 16 नवंबर का यहाँ पर दिन बनता है। अगली जो तारीख रहेगी 19 नवंबर, फिर 20 नवंबर, फिर 21 नवंबर, फिर 22 नवंबर, फिर 28 नवंबर, 29 नवंबर और फिर 30 नवंबर का जो दिन है वह विवाह के लिए निश्चित हो सकता है। तो सगाई और विवाह दोनों के मुहूर्त मैंने आपको बहुत कम समय में डेट वाइज बताया, लेकिन साथ ही यह भी जानकारी दी कि आपको क्या इसमें जो है निकालना होता है, कैसे देखना होता है, विवाह के मुहूर्त कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी रुपया खर्च ना हो और आप अच्छे से मुहूर्त भी निकाल लें तो आप वह वीडियो देख सकते हैं और आप अपने लिए खुद मुहूर्त निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी अपने करीबी ज्योतिर्विद ब्राह्मण से आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। और कोई भी ऑप्शन ना होने पर आप हमारे संस्थान पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको यह अपॉइंटमेंट लेना होगा या तो वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप पर। बने रहें हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष के तमाम वीडियोस देखने के लिए। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।